तदनंतर क्रोध में भरा हुआ केतुमाली भ्रुकुटी चढ़कर मुख को भीषण बनाकर प्रद्युम्न पर सहसा दौड़ पड़ा और उनसे कहने लगा, खड़ा रहे। ये सुनकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणों की वर्षा करके केतुमाली को ढक दिया। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में बादल जल की धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देता है, धनुधर प्रद्युम्न के द्वारा घायल हुए दानव मंत्री केतुमाली ने प्रद्युम्न का वध करने की इच्छा से चक्र लेकर उनके ऊपर चलाया। श्री कृष्ण के चक्र के समान तेजस्वी उस सहस्त्रतार चक्र को पास आया देख प्रद्युम्न ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया और सबके देखते देखते उस समय उसी चक्र से केतुमाली का सिर काट लिया। रुक्मणी कुमार का वो महान कर्म देखकर समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय गंधर्वों और अप्सराओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। केतुमाली को मारा गया देख शत्रुहंता और प्रमर्दन विशाल सैन्य समूह के साथ प्रद्युम्न पर टूट पड़े। वे गदा मुसल चक्र प्रास तोमर सायक विभिन्न पाल कुठार और चमकीले कूट मुर्दों से एक साथ ही श्री कृष्ण कुमार के वध के लिए उनके ऊपर फेंकने लगे। वीर प्रद्युम्न ने भी अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए सहस्त्र समूहों द्वारा शत्रुओं के अस्त्र जाल के बारंबार बहुतेरे टुकड़े कर डाले। उन्होंने कुपित होकर सहस्त्रों हाथियों और हाथी सवारों को भी मार डाला। सारथियों सहित रथों और घोड़ों को भी रौंदकर मिट्टी में मिला दिया। उन सबको धराशायी करते हुए प्रद्युम्न ने अपने बाणों समूह द्वारा समस्त सैनिकों को भी बींध डाला। कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जो उनके बाणों से विद्ध ना हुआ हो। इस प्रकार मकर ध्वज ने शत्रु की सारी सेनाओं को मत डाला और एक भयानक नदी बहा दी जो रक्तमय जल की तरंगों से सुशोभित होती थी। मोतियों के हार उसमें उठती हुई बहुसंख्यक लहरों के समान प्रतीत होते थे। वशा और मेदे कीच के समान जान पड़ते थे। छत्र दीप और बाण भंवर के समान थे। रथ ही उस नदी के तट बनकर उसकी शोभा बढ़ाते थे। केयूर और कुंडल उसमें कछुए का भ्रम उत्पन्न करते थे। ध्वज रूपी मात्सर उसकी शोभा बढ़ाते थे। हाथी रूपी ग्रहों से युक्त होने के कारण वो बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। कंग रूपी नौके उसके आभूषण थे। वो केश रूपी सवार से ढकी हुई थी। कटेशूत्र कमल नाल के समान प्रतीत होते थे। सुंदर मुख ही उसमें खिले हुए मनोहर कमल थे। हिलते हुए चंवर हंसों के पंख संचालन की भांत प्रतीत होते थे, मानो उनके द्वारा उस नदी को हवा की जा रही थी। मस्तक उसमें तिमी नामक मात्सर के समान सब ओर व्याप्त थे। वो शोड़ित की वेग युक्त धारा बह रही थी। अनंग स्वरूप प्रद्युम्न के द्वारा बहाई गई वो रक्त नदी अत्यंत दुस्तर दुर्लक्ष दुर्गम एवं भयंकर थी। तजोहीन पुरुषों के लिए उसे पार करना अत्यंत कठिन था। शास्त्र रूपी ग्रहों से युक्त वो घोर नदी यमराज की राज की वृद्धि कर रही थी। उस युद्ध में श्रीमान रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न ने बहुत से धनुधरों को मत डाला और शत्रुहंता पर अनेक बाणों की वर्षा की। तब पुनः क्रोध में भरे हुए शत्रुहंता ने एक उत्तम बाण छोड़ा जो प्रद्युम्न की छाती पर जाकर लगा। उस बाण से घायल होकर बलवान प्रद्युम्न तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मरणासन्न शत्रुहंता के लिए एक शक्ति उठाई। रणभूमि में रुक्मणी कुमार ने वो अग्नि की ज्वाला से युक्त शक्ति चला दी। इंद्र के वज्र की भांत गड़गड़ाहट पैदा करती हुई वो शक्ति शत्रुहंता का हृदय विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। हृदय विदीर्ण हो जाने से उसके सारे अंग शिथिल हो गए। मर्म स्थानों और अस्थियों के बंधन खुल गए। उस दशा में महाबली शत्रुहंता रक्त वामन करता हुआ
धरती पर गिर पड़ा। शत्रुहंता को धराशायी हुआ देख प्रमर्दन युद्ध के लिए डट गया। उसने मुशल हाथ में ले लिया और ये बात कही, अरे खड़ा रहे, तुझे युद्ध बड़ा प्रिय है ना? इन प्राकृत सैनिकों के मारने से तू क्या लाभ उठाएगा? हे दुर्बुद्धे, तू मेरे साथ युद्ध कर, फिर तो तू नहीं हो जाएगा। तू वृंस कुल में उत्पन्न हुआ है, तेरा पिता हम लोगों का शत्रु है। मैं उसके पुत्र को मार डालूंगा, फिर वो स्वयं ही मर जाएगा। हे दुर्बुद्धे, उसके मरने से समस्त देवताओं का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार अपने शत्रुओं के मर जाने पर समस्त दैत्य और दानव आनंद के भागी होंगे। मेरे अस्त्र से तेरा वध हो जाने पर तेरे ही रक्त में मैं शांबरासुर के पुत्रों का तर्पण करूंगा। आज वो भीष्मक की पुत्री रुक्मणी तो तुझ जैसे नौजवान बेटे को मारा गया और गता आयु हुआ सुनकर निश्चय ही करुणा विलाप करेगी। तेरे उस पिता चक्रधारी कृष्ण को आशा अब निष्फल हो जाएगी। तुझे मारा गया जानकर वो मंद बुद्धि मानो अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत ही रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न पर परिग से प्रहार किया। उससे तांडित हुए महान तेजस्वी और प्रतापी प्रद्युम्न ने अपनी दोनों भुजाओं से उसके रथ को ऊपर को उछाल दिया और पृथ्वी पर गिराकर चूर चूर कर डाला। प्रमर्दन उस रथ से कूदकर पैदल ही युद्ध के लिए खड़ा हो गया और अपनी उस प्रसिद्ध गदा को हाथ में लेकर उसने सहसा रुक्मणी कुमार पर आक्रमण किया। परंतु प्रद्युम्न ने उसकी फेंकी हुई उस गदा से ही प्रमर्दन को मार गिराया। दैत्य प्रमर्दन के मारे जाने पर समस्त असुर सैनिक भाग खड़े हुए। सिंह के भय से भागे हुए हाथियों के समान वह प्रद्युम्न के सामने ठहर न सके। जैसे शिकारी कुत्ते को देखकर भेड़ों का समूह पलायन करने लगता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न के भय से पीड़ित हुई दैत्य सेना विषादग्रस्त होकर भागने लगी। उन सब सैनिकों के वस्त्र खून से रंग गए थे, केश खुले हुए थे, वह शोभाहीन हो गए थे। इस अवस्था में वो दैत्य सेना राजवसला युति की भांत कहीं छिप जाने का प्रयत्न करने लगी। युति के समान वेश धारण करने वाली वो दैत्य सेना प्रद्युम्न के बाणों से घायल हो सैनिकों की ओर चली। उस समय वो भय आदि से पीड़ित हो रही थी, समर रूपी सूरत को देखने में भी असमर्थ थी। केवल उच्छ्वास लेते हुए अपने घर को जाना चाहती थी, वहाँ ठहरना नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शांबरासुर की सेना का पलायन विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ। 106वां अध्याय, शांबरासुर और प्रद्युम्न का मायामय युद्ध, शांबर की चिंता, देवराज इंद्र की आज्ञा से नारद जी का प्रद्युम्न को उनके पूर्व स्वरूप का स्मरण दिलाना और आवश्यक कर्तव्य सुझाना। वैश्यापन जी कहते हैं, हे प्रजानाथ, तब शांबरासुर ने कुपित होकर अपने सारथी से कहा, हे वीर, तुम शीघ्र ही मेरे रथ को शत्रु के सामने ले चलो, जिससे अपना प्रिय करने वाले इस प्रद्युम्न को मैं अपने बाणों से मार डालूं। तब स्वामी का ये वचन सुनकर उनका प्रिय करने वाले सूत जी उस सुवर्ण भूषित रथ को आगे बढ़ाया। उस रथ को आते देख प्रद्युम्न के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत कुपित हो धनुष लेकर उस पर एक सुवर्ण भूषित बाण रखा और उस बाण से शांबरासुर का क्रोध बढ़ाते हुए उसे रणभूमि में घायल कर दिया। उस बाण ने उनकी छाती में चोट पहुंचाई थी, इससे वो देवशत्रु शांबर अत्यंत व्याकुल हो अचेत हो गया और रथ शक्ति का सहारा लेकर टिका रहा। फिर होश में आने पर कुपित हो शांबरासुर ने
धनुष हाथ में ले सात पौने बाणों से श्री कृष्ण कुमार पर प्रहार किया। उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही प्रद्युम्न ने सात सहायकों से मारकर सात बार खंडित किया, साथ ही 70 तीखे बाणों से शांबरासुर को घायल कर दिया। इसके बाद गीद और मोर की पंख लगे हुए 1000 बाणों की क्रोध पूर्वक वर्षा करके उन्होंने पुनः शांबरासुर को आहत कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को आल्पावित कर देता है, समस्त दिशाएं और विदिशाएं बाण धारा से आवृत हो गईं। आकाश में अंधकार छा गया, दिनकर सूर्य का दिखना बंद हो गया। तब शांबरासुर ने वैदुष्ट्रास्त्र का प्रयोग करके अंधकार का निवारण कर दिया और प्रद्युम्न के रथ की बैठक में बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। हे राजन, प्रद्युम्न ने अपने हाथों की फूर्ति दिखाते हुए झुकी हुई गांठ वाले बाणों से शत्रु के उस अस्त्र जाल को अनेक टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। श्री कृष्ण कुमार द्वारा जब बाणों की वो महावृष्टि शांत हो गई, तब काल शांबर ने माया द्वारा वृक्षों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वृक्षों की उस वर्षा को बढ़ती देख प्रद्युम्न क्रोध से मूर्छित से हो गए। फिर तो उन्होंने अग्नेय शास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा समस्त वृक्षों का नाश कर डाला। वृक्षों की वर्षा नष्ट हो जाने पर उसने शिला समूह बरसाना आरंभ कर दिया, परंतु प्रद्युम्न ने युद्ध स्थल में वायव्याप शास्त्र का प्रयोग करके उन शिलाओं को दूर हटा दिया। हे प्रजानाथ, तब प्रतापी देव शत्रु शांबर ने दूसरी माया प्रकट की। उसने धनुष तानकर प्रद्युम्न के रथ पर सिंह, व्याघ, वराह, सेई, रीछ, वानर, मेघों के समान काले काले हाथी, घोड़े और ऊंट से रूपों में बाणों का प्रहार किया। प्रद्युम्न ने गंधर्व वास्त्र का प्रयोग करके उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रद्युम्न ने वो माया नष्ट कर दी। ये देखकर क्रोध से मूर्छित हुए शांबरासुर ने दूसरी माया का प्रयोग किया। उसने 60 वर्षों की अवस्था वाले 9 यौवन संपन्न बहुत से गजराज प्रकट किए, जिनके मस्तक से मद की धारा फूट रही थी। उनके ऊपर अच्छे अच्छे महावत बैठे थे, उन्हें युद्ध की सज्जा से सजाया गया था। वे सब के सब युद्ध की कला में चतुर जान पड़ते थे। उस गजाकार माया को अपनी ओर आती देख कमल नयन महामना श्री कृष्ण कुमार ने सिंह रूपड़ी माया के प्रयोग का विचार किया। बुद्धमान रुक्मणी नंदन के द्वारा जब वो सिंहमयी माया रची गई, तब जैसे सूर्योदय से रात्रि का अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार वो हाथियों से युक्त माया विलीन हो गई। उस हस्तमयी माया का नाश हुआ देख महान असुर दानो राज शांबर ने दूसरी शमोहिनी नामक माया का प्रयोग किया। मैं द्वारा निर्मित उस मोहिनी माया को देखकर पराक्रमी प्रद्युम्न ने संज्ञा शास्त्र के द्वारा उसका नाश कर डाला। जब वो माया भी नष्ट हो गई, तब कुपित हुए महातेजस्वी दानोराज शांबर ने सिंहमयी माया की सृष्टि की। सिंह को अपने ऊपर आते देख प्रतापी रुक्मणी कुमार ने गंधर्व शास्त्र लेकर सारबों की सृष्टि की। वे 8 पैरों वाले तथा प्रचंड बलशाली थे, नख और दाढ़ी ही उनकी आयुध थी। जैसे वायु बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उन सारभों ने शत्रु के उन सिंहों को मार भगाया। सारभमी माया से सिंहों को भागते देख शांबरासुर इस चिंता में पड़ा कि मैं किस प्रकार प्रद्युम्न का वध करूं। अहो, मैं बड़े मूर्ख स्वभाव का हूं, क्योंकि मैंने बाल्य अवस्था में ही इसका वध नहीं कर डाला। अब तो जवानी का शरीर पाकर ये दुर्बुद्धि शत्रु
संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता भी हो चुका है। अतः युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए इस शत्रु को मैं किस प्रकार वध करूंगा? अच्छा, वो पनगी नामक अत्यंत दुष्ह एवं भीषण माया अभी मेरे पास मौजूद है, जिसे असुरघाती देवा आदि देव महादेव जी ने मुझे दिया था। विषधर सर्पों से युक्त उस महामाया की मैं सृष्टि करता हूँ। उससे ये बलवान माया में दुष्ट आत्मा शत्रु अवश्य दग्ध हो जाएगा। ऐसा सोचकर उस असुर ने पनगी माया की सृष्टि की, जो विष की ज्वालाओं से व्याप्त थी। उस सर्पमयी माया से सांबर ने रथ, घोड़े और सारथी सहित प्रद्युम्न को सर्पाकार बाणों के बंधनों द्वारा बांध लिया। अपने को सर्पों से बद्ध होते देख वृषवंशी प्रद्युम्न ने सर्पों का नाश करने वाली सौप्रणी माया का चिंतन किया। महात्मा प्रद्युम्न ने ज्यों ही उस महामाया का चिंतन किया, त्यों ही वहां बहुत से गरुण पक्षी आकर विचरने लगे और वे महाविषधर सर्प नष्ट हो गए। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर देवता और असुर सभी प्रद्युम्न की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। रुक्मणी का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु, हे वीर, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे द्वारा जो इस माया की पराजय हुई है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर सांबरासुर ने पुनः सोचा, अभी मेरे पास सुवर्ण भूषित मुंदर है, जो काल दंड के समान भयंकर है। वो युद्ध में देवता, दानवों और मानव के द्वारा भी प्रतिहित होने वाला नहीं है। मैं उसी का प्रयोग करूंगा। पूर्व काल में परम संतुष्ट हुई पार्वती देवी ने मुझे वो मुदुर दिया और इस प्रकार कहा, हे शांबर, तू ये सुवर्ण भूषित मुदुर ग्रहण कर। मैंने अपने शरीर से अत्यंत दुष्कर तपस्या करके इसकी सृष्टि की है। ये मायाओं का अंत करने वाला तथा समस्त असुरों का विनाशक है। इसके द्वारा मैंने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दो बलवान एवं भयंकर दानव शुंभ और निशुंभ का उनके सैनिक गणों सहित संहार किया है। प्राण संकट की स्थिति आने पर ही तुझे अपने शत्रु पर इसका मधुर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहकर पार्वती देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई थी। अतः मैं उसी श्रेष्ठ मुदर का अपने शत्रु पर प्रहार करूंगा। उस समय उसके मनोभाव को जानकर देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप शीघ्र ही प्रद्युम्न के रथ के पास चले जाइए और उन महाबाहु वीर को समझाइए तथा उन्हें इनके पूर्व जन्म का स्मरण दिलाइए। साथ ही सांबरासुर के वध के लिए उन्हें वैष्णव वस्त्र प्रदान कीजिए। असुर संहार के कर्म में लगे हुए उन्हें अवैध कवच भी दीजिए।